सो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं राहुल आपको सीफअप मेथड का सेकंड ट्यूटोरियल F12 सिखाने वाला हूँ। जैसे ही आप अपने क्यूब में क्रॉस सॉल्व कर लेते हो, आपको F12 मेथड के थ्रू फर्स्ट टू लेयर बहुत ही आसानी से सॉल्व करनी आ जाएगी। तो बेसिक आप बिगिनर मेथड में क्या करते थे, पहले फर्स्ट लेयर बनाते थे और फिर उसके बाद में सेकेंड लेयर बनाते थे। तो ये दोनों लेयर आपको एक एक करके बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, और सीफअप मेथड में F12 मेथड के थ्रू आप एक साथ में दोनों लेयर बना पाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम बचाएगी। तो सबसे पहले आपको क्रॉस सॉल्व कर लेना है। मेरा एक एडवांस क्रॉस का वीडियो नहीं देखे हो आपने, जो कि सीफअप मेथड का फर्स्ट पार्ट है, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। तो क्रॉस सॉल्व करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके के चार पेयर देखने को मिलेंगे F12 में। जैसे ही मैंने फर्स्ट टू लेयर कंप्लीट कर लिया है, आपको यहाँ पे चार पेयर देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर, ठीक है। तो चार पेयर मिलके आपका F12 कंप्लीट होता है। तो पेयर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, देखो ये, ठीक है। तो एक कॉर्नर पीस और एज पीस मिलके एक पेयर बनता है। तो देख रहे होंगे आप, ये जो वाइट वाला कॉर्नर पीस है, इसके साइड में जो ऑरेंज ग्रीन कलर है, ये दोनों एक दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये एक पेयर बन जाएगा आपका। तो जैसे कि ये वाला जो पेयर है आपके राइट साइड में इंसर्ट होने वाला है, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, आर यू प्राइम आर प्राइम, ठीक है। और सेम ये लेफ्ट वाला पेयर, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा, तो ये फार्मूला यूज़ करना है, एल प्राइम यू एल। तो ये कुछ आपको ट्रिक्स आगे वीडियो में काम में आएगी, तो अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो जब आप क्रॉस सॉल्व कर लोगे और F12 स्टार्ट करोगे, तो आपके जो कॉर्नर पीस और एज पीस है, वो सारे के सारे आपको स्क्रैम्बल मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होंगे, ये वाला जो आपका कॉर्नर पीस है वाइट ऑरेंज ग्रीन, इसका एज पीस ये है ऑरेंज ग्रीन, तो ये सब स्क्रैम्बल है, ठीक है। तो आपको एक पेयर बनाना है और फिर उसके बाद में इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले ऐसे पीस देख लेते हैं, एक कोई कॉर्नर पीस देख लेते हैं, जैसे ये वाला मैंने देख लिया, ठीक है, वाइट ग्रीन रेड, ठीक है। तो F12 में ये ऐसी दो सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपका जो कॉर्नर पीस है उसमें वाइट कलर टॉप में हो सकता है, या तो यहाँ पे एक ये आपके फेस में होगा जैसे ये है, या तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। कहीं पे भी दो सिचुएशन आएगी, एक तो टॉप में होगा और एक यहाँ पे। तो अभी ये वाली सिचुएशन है, तो कंपलसरी ये चीज़ होनी चाहिए आपके क्यूब में कि आपके जो कॉर्नर पीस है और एच पीस दोनों थर्ड लेयर में होने चाहिए। जैसे कि ये वाला जो कॉर्नर पीस है और ये वाला जो एच पीस है, दोनों थर्ड लेयर में। अब दूसरा जो पेयर है, जैसे कि ये वाला देख रहे होंगे, कॉर्नर पीस बॉटम में है, एच पीस टॉप में है। तो आपको कुछ ऐसा माइंड ट्रिक लगाना है जिससे आपको दोनों पीस को थर्ड लेयर में लेके जाना है, ठीक है। तो वो तो आप ले आओगे, ठीक है। तो ये रहा कॉर्नर पीस, ये एच पीस। तो सबसे पहले ये जो कॉर्नर पीस है जहाँ पुट होने वाला है, वहाँ पे आप उसको लेके आना है। तो कैसे आप पता करोगे कि कहाँ पुट होने वाला है, तो साइड वाला जो पीस है रेड वाला, उसको सेंटर से मैच करना है। ये मैंने मैच कर दिया। अब आपको कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में आपको जो कॉर्नर पीस में जो वाइट कलर है उसको फेस कर लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब फेस करने के बाद में वाइट कलर जिस साइड में होगा, उस साइड में टॉप लेयर को मूव करना है। जैसे वाइट कलर लेफ्ट साइड में है, तो आपको लेफ्ट में मूव करना है, ठीक है। यहाँ मूव करोगे, यहाँ मूव नहीं करना, यहाँ पे आपको वाइट कलर दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ करोगे तो ये ऐसे आपको दिखेगा। अब इसका जो एच पीस है कहाँ है, ये देखना है आपको, ठीक है। एच पीस यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी दो सिचुएशन हो सकती है। वाइट कलर आपको ऐसे फ्रंट में रहेगा, तो यहाँ दो सिचुएशन होगी। वाइट कलर के जो टॉप कलर होगा आपका, ये जो कॉर्नर पीस का टॉप कलर और एच पीस का टॉप कलर, दोनों कलर डिफरेंट होंगे या तो मैच होंगे। जैसे अभी ग्रीन है, तो हो सकता था यहाँ पे ग्रीन हो, ठीक है, ग्रीन रेड ऐसा होता। अब ये फ्लिप है, तो दोनों कलर डिफरेंट है। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक रूल बताता हूँ जो कि आपको बाद तक बहुत काम में आएगा। यदि कॉर्नर पीस का टॉप का कलर और एच पीस का टॉप का कलर मैच होता है, तो आपका जो एच पीस है कॉर्नर पीस के पास में जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यदि दोनों कलर डिफरेंट होते हैं, जैसे कि अभी डिफरेंट है, तो आपका जो एच पीस है कॉर्नर पीस से दूर रहेगा। इसका मतलब ना यहाँ रहेगा ना यहाँ रहेगा, या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, अब डिफरेंट है तो कैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ रहेगा या यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका कॉर्नर पीस है, ठीक है, उसके साइड में जो वाइट कलर है, वहाँ से आपको तीन पीस काउंट करना है। जैसे ये वाला जो वाइट कलर है, ठीक है, अभी डिफरेंट कलर है, तीन पीस कैसे काउंट करोगे, वाइट के साइड से, एक दो तीन,
तो आपके डिफरेंट कलर है, तो आपका वाइट से आपने काउंट किया तो यहाँ पे आया, तो इसका ये मतलब है कि ये वाला एच पीस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लाने के लिए आप कुछ इस तरीके से मूव करोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको पेयर बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले कॉर्नर पीस को डाउन करना है, ठीक है। किस साइड डाउन करोगे? इस साइड डाउन करोगे। ये जो एच पीस है इसको यहाँ पे लेके आओगे और वापस से कॉर्नर पीस को अरेंज कर दोगे, ठीक है। तो आपकी कुछ इस तरीके से पेयर बन गया। अब आपको क्या करना है, जहाँ इंसर्ट होने वाला था वहाँ पे लेके आना है और इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर लेना है, रोटेट कर लेना है और इंसर्ट करना है। आर, ये पेयर बन गया। यू आर प्राइम, देखो ये पेयर बन गया। ओके, नाउ सेकेंड सिचुएशन आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, जिसमें आपका कॉर्नर पीस और एच पीस दोनों थर्ड लेयर में तो रहना कंपलसरी ही है, पर ये वाला जो कॉर्नर पीस है इसका जो वाइट कलर आपके फ्रंट में ही रहेगा और ऊपर के जो टॉप के कलर है कॉर्नर पीस और एच पीस के दोनों सेम रहेंगे, देख रहे होंगे ब्लू और ब्लू, ठीक है। तो पहले जहाँ ये कॉर्नर पीस पुट होने वाला है वहाँ पे इसको लेके जाना है, रेड टू रेड सेंटर पीस से मैच करोगे जैसे ये। अब वाइट कलर को आपको फेस कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वाइट कलर आपके राइट साइड में है, तो ये वाला जो टॉप लेयर है आपकी राइट साइड में जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपने देखा कि दोनों के टॉप कलर मैच कर रहे हैं, तो अब आपको मैंने बताया कि दोनों के कलर यदि मैच कर रहे होंगे तो एच पीस आपके कॉर्नर पीस के पास में होगा, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी सिचुएशन है, आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ये वाला जो एच पीस है या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा, पर कहाँ जाएगा? देखो अब ये वाला जो आप देख रहे होंगे ब्लू कलर, यहाँ पे जाएगा तो ब्लू कलर सेम हो जाएगा, ठीक है। और रेड कलर कहाँ पे रहेगा? यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ पे यदि हम पुट करेंगे तो रेड कलर और ब्लू कलर, तो ये पेयर नहीं होगा, ठीक है। यदि ये ब्लू कलर रेड कलर यहाँ पे जाता है आपके, तो यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि वाइट कलर के बैक साइड में आपका ये एच पीस आएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको डाउन करना है, ठीक है। ये कॉर्नर पीस को डाउन करना है, भले ही यहाँ पे वाइट का क्रॉस बिगड़ेगा पर बाद में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से डाउन करोगे, ये एच पीस को आपको यहाँ पे मूव करोगे और रिटर्न मूव कर दोगे, तो देख रहे होंगे एक पेयर बन गया। पेयर को कुछ इस तरीके से इंसर्ट करोगे, राइट साइड में जाएगा, तो आप इस तरीके से आर यू प्राइम आर प्राइम, और ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक तीसरी सिचुएशन, जैसे अभी मैं इसको आपको लाना बता देता हूँ टॉप लेयर में, ठीक है। ये वाला जो कॉर्नर पीस है नीचे साइड में है, एच पीस टॉप साइड में है, तो आप कुछ इस तरीके से निकालोगे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया, ठीक है, दोनों थर्ड लेयर में आ गए। अब ये जो सिचुएशन है ये थर्ड नंबर सिचुएशन है, इसमें आपको वाइट कलर टॉप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इजी सिचुएशन है, मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या करना है, एच पीस और कॉर्नर पीस दोनों थर्ड लेयर में तो रहने ही चाहिए। अब देखना है आपको ये जो एच पीस है, एच पीस का जो नीचे का कलर है वो सेंटर पीस से आपको मैच करना है, ठीक है। इस बार आपको कॉर्नर पीस पे ध्यान नहीं देना है, इस बार एच पीस पे ध्यान देना है। ये जो एच पीस का कलर है इसको सेंटर से मैच करना है, देखो ये मैंने मैच कर दिया, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको आपको डाउन करना है, ठीक है, बैक साइड में डाउन करना है, ऐसे डाउन करना है, ठीक है, मैंने अभी बता दिया। अब क्या करना है, आपका कॉर्नर पीस या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। आपको बस इसको एक बैक साइड में डाउन करना है और ये जो कॉर्नर पीस है एच पीस के टॉप में लेके जाना है। कैसे लेके आओगे? इसको आपने बैक में डाउन किया, कॉर्नर पीस को ऐसे रोटेट कर देना है, ठीक है, ये आपके टॉप में आ गया, और एक बार रोटेट कर देना है, आपका पेयर बन जाएगा बहुत ही आसानी से, और आप इसको लेफ्ट साइड में इंसर्ट कर दोगे, एल प्राइम यू एल। और अब आप देख रहे होंगे कि ये पेयर एकदम बना हुआ है पर रॉन्ग पेयर है, ठीक है, ये स्पेशल केस है। ऐसे कुछ स्पेशल केस के लिए मैं एडवांस वीडियो लेके आ जाऊँगा, तो उसमें आपको बहुत ही इजी समझ में जाएगा, कुछ एक ही फॉर्मूले में आप यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे, वो एडवांस मेथड होती है, मैं आपको अपने चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको कैसे करें, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगानी पड़ेगी, और ये जो आपका स्लॉट खाली है इसकी हेल्प से आप इनको अलग अलग कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये वाला जो पेयर है इस पे आपको कॉर्नर पीस और एच पीस लेके आ जाना है, ठीक है, और जो स्लॉट खाली है उसको बैक में रखना है, और आपको ऐसे कॉर्नर पीस को डाउन करना है। तो ये जो आपका स्लॉट रहेगा थर्ड लेयर में आएगा, तो आप यहाँ पे अपने एच पीस को कहीं पे भी मूव करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ऐसे में यदि आप अपने स्लॉट को कुछ इस तरीके से मूव करोगे तो ये जो पेयर रहेगा ये स्क्रैम्बल हो जाएगा,
तो वही मैंने आपको बताया कि स्लॉट आपके बैक साइड में रहने चाहिए एमपी स्लॉट, और फिर ये जो कॉर्नर पीस है आप इसको डाउन करोगे और एचपीस को या तो यहाँ कहीं पे भी लेके आओगे और फिर उसके बाद में मूव कर दोगे। तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी, और आप फिर से एचपीस को सेंटर से मैच करोगे और ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, देन इंसर्ट कर दोगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल सॉल्व। क्रॉस सॉल्व हो गया है। अब आपको एचपीस कॉर्नर पीस देखना है जो ऐसे थर्ड लेयर में हो। यहाँ पे आपको एक भी ऐसे एचपीस कॉर्नर पीस नहीं मिल रहे जो आपके थर्ड लेयर में हो, तो आपको निकालने पड़ेंगे फिर पीस। जैसे कि ये वाला आप देख रहे होंगे रेड ब्लू, तो इसका जो कॉर्नर पीस है कहाँ पे है, ये है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको निकाल लूँगा। आप देखो इधर साइड मूव करूँगा और ये मूव रिटर्न करूँगा, तो ये देखो पेयर बन गया। तो मैं इस तरीके से नहीं निकालूंगा, मैं इस तरीके से निकाल लूँगा, ठीक है। अब ये थर्ड नंबर सिचुएशन है, ठीक है। वाइट कलर आपका टॉप में है इस कॉर्नर में। अब इसके एचपीस को सेंटर से मैच करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको बैक साइड में लेके चले जाऊँगा, ये बैक साइड में डाउन कर दिया, कॉर्नर पीस को टॉप में किया एचपीस के, पेयर बन गया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड कॉर्नर पीस एचपीस ये मिल गया हमको, ठीक है। इसके टॉप के कलर डिफरेंट है, तो मैं इसको जहाँ इंसर्ट होने वाला है वहाँ पे लेके जाऊँगा। वाइट कलर राइट साइड में, राइट साइड में रोटेट करूँगा। टॉप कलर डिफरेंट है, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो एच पीस है कहाँ पे आएगा, वाइट कलर से तीन पीस काउंट करना है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा और फिर मैं कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा। अब देख रहे होंगे आप ये एच पीस कॉर्नर पीस टॉप में है। फिर मैं क्या करूँगा, दोनों कलर देखूँगा, दोनों कलर सेम है तो मैं जहाँ इंसर्ट होने वाला है वहाँ पे लेके आऊँगा। और वाइट कलर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड रोटेट करूँगा। टॉप कलर मैच कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि ग्रीन ऑरेंज, तो ग्रीन ऑरेंज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रोटेट करूँगा, पेयर बन जाएगा, इंसर्ट कर दूँगा। लास्ट आपको पेयर देखना है वो ये है। अब ये कुछ स्पेशल केस हो गया, ठीक है। तो पहले अलग करना है, और तीनों पेयर आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है अपने स्लॉट में। तो क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से लेके आना है, एमपी स्लॉट को बैक साइड में रखना है, इस कॉर्नर पीस को डाउन करना है, एच पीस को या तो यहाँ यहाँ कर देना है। अब आपकी सिचुएशन ऑलरेडी ईजी बन गई है, आप इसको इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँगा ये F2L आपको समझ में आया होगा। बिगिनर F2L है, एडवांस F2L के वीडियोस मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो है OLL और PLL का भी पार्ट आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।